अब हम जीएसटी का ड्यूअल मॉडल पढ़ेंगे। अब जीएसटी का ड्यूअल मॉडल क्या है? तो जीएसटी, अगर आपने कोई रिसेंट में बिल्स देखे होंगे कहीं के भी, तो आपने देखा होगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये दो दो क्यों है, क्या है? तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाता है, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो लगाता है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग टैक्स लगाएंगे आपको। अब इसकी क्या जरूरत थी हमारे देश में, ये सोचो। हमारे देश में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को और सेंट्रल को अलग अलग पावर्स दिए, अलग अलग ड्यूटीज दिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए, ठीक है। सबको अपना अपना काम करना है, तो काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, सबको अपने अपने पैसे चाहिए। तो इसीलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि जो भी जीएसटी होगा, आधा पैसा तो जाएगा स्टेट को, जिस स्टेट में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ठीक है, ऐसा लेवी किया जाता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, इनके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए। इसके लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट, और इसका है एसजीएसटी एक्ट 2017, दोनों भी 2017 है। हर स्टेट का अलग अलग एसजीएसटी एक्ट होगा, समझ रहे हो। जैसे महाराष्ट्र का है और राजस्थान का है, दोनों का सेम एक्ट नहीं होगा, पर मेजॉरिटी पॉइंट्स, टू कीप यूनिफॉर्मिटी, मेजॉरिटी पॉइंट्स तो सेम ही होंगे। कुछ चीज़ें जो स्टेट वाइज डिफर करती है वो सिर्फ मैच नहीं करेगी, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन लेवी का प्रोविजन है, जो रेट्स है, वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। तो सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट होता है। अब व्हाट इज यूटीजीएसटी? तो कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिनका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, स्टेट अलग से उनका नहीं बना है, जैसे कि आंदामान निकोबार, दीव, दमन, चंडीगढ़, ये सारी जगहें हैं जिनका खुद का स्टेट नहीं है, उनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। तो उनके लिए क्या होगा? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इसीलिए या तो एक ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा अगर वो उसी स्टेट का होगा, और या तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब कब लगेगा? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होंगे। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब ए ऑफ राजस्थान एंड बी ऑफ राजस्थान, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो दोनों सेम स्टेट के हो गए, मतलब इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट, सेम स्टेट के है, तो 9% तो जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट को और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सही बात है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मेरा स्टेट नहीं है, मेरा यूनियन टेरिटरी, जैसे आंदामान, आंदामान में दो जनों ने ट्रांजैक्शन किया, उस पे जीएसटी लगा, तो कौन सा लगेगा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा, पर स्टेट नहीं है ना, तो यूनियन टेरिटरी, तो इसलिए यूटीजीएसटी लगेगा। तो अगर इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन है, तो फिर उस पे यूटीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अब ये आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी उन ट्रांजैक्शंस पे लगेगा जब एक जगह पे तो सेलर होगा, एक जगह पे तो बायर होगा, दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, तो ये आईजीएसटी ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब अगर सीजीएसटी में 9% और इधर 9% लगता होगा, और इधर भी 9% लगता होगा, तो यहाँ पे 18%, मतलब एट लास्ट वो तुमसे सेम ही पैसा ले रहे, बस नाम डिफरेंट हो गया। ये आईजीएसटी हो गया, ये यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी हो गया। तो जब दोनों अलग अलग स्टेट के लोग अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको आईजीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज टू नोट इज दैट लेवीड ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट अगर वो एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी के अंडर, या फिर वो लिमिट्स के बिलो है, कुछ लिमिट स्पेसिफाई करी गई है कि
अगर इतना टर्नओवर आपका एक्सीड हुआ तो आपको जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा, और जब से आप रजिस्टर करोगे तब से हर ट्रांजैक्शन पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। अगर आपका वो टर्नओवर का लिमिट ही टच नहीं हुआ है तो भले आपका टैक्सेबल सप्लाई हो फिर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी चार्ज करने की। या फिर आपका एग्जम्प्ट हो, वो नेगेटिव लिस्ट में आया हो, तो फिर भी नहीं आपको लेवी करना है, अदरवाइज आपको लेवी करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे से आप कभी भी कोई बिल्स देखोगे तो प्लीज़ देखना कि UTGST लग रहा है, CGST लग रहा है, SGST लग रहा है, ताकि आप देख सको कि वो सही है कि नहीं और आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हुई कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगी कि क्रेडिट कैसे लिया जाता है। थैंक यू।